जी तो बेटा, 2024 में एक बड़ा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन आ गया चैप्टर के, हाउ डू द इनहेरिटेबल ट्रेट्स, जिसको आप इनहेरिटेबल करेक्टर्स भी कह सकते हो। इनहेरिटेबल ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं, पेरेंट्स वालदैन को कहते हैं। जो वालदैन की तरह बच्चे लगते हैं, ये कैसे लगते हैं, ये क्या सवाल बोर्ड ने। देखें बच्चों, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, चाहे वालिद है या वालद है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है डीएनए, ये डीएनए में होती है। और ये डीएनए आगे से कह लो कि स्पर्म में मुंतकिल होता है, और फीमेल की तरफ से एग में मुंतकिल होता है, और स्पर्म और एग के मिलने से, स्पर्म और एग के मिलने से एक नया सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये कहानी छोटी सी पहले पता होनी चाहिए आपको। तो फिर क्या सीखा कि भाई जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है फादर के भी और मदर के भी, और वो आगे से बनाते हैं कुछ खास सेल्स, और ये सेल्स बनते हैं, आपको पता है, दे आर मियोसिस, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, तो मियोसिस से ये सेल्स बनते हैं और फिर इनके डीएनए को इनके अंदर रखा जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में रखी गई है, और डीएनए मुंतकिल हो रहा है, ठीक है, एग्स में और स्पर्म्स में, ठीक है, ये एग्स हैं और ये स्पर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो इनहेरिट है, जो छुपी हुई है, और वो अगर स्पर्म में जाती है तो स्पर्म आगे से इस फीमेल एग के साथ मिलकर वो दोनों इन्फॉर्मेशन को दोबारा इकट्ठा कर सकता है, एक नई इन्फॉर्मेशन भी बन जाएगी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा फादर की तरह का होता है और थोड़ा सा मदर की तरह का होता है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे कि ये है बेसिकली ट्रांसमिशन जीन्स का, किसमें, गैमीट्स में, इनको गैमीट्स भी कहते हैं, और गैमीट्स में यानी जब गैमीट्स मिलेंगे तो फिर जायगॉट बनेगा। तो जीन्स ट्रांसमिट हुए थे गैमीट्स में, गैमीट्स ने फ्यूजन किया, आपस में मिले और जायगॉट बना, और ये करेक्टर्स जो पेरेंट्स के थे वो आगे से बच्चों में मुंतकिल हुए। इसका जवाब क्या होगा फिर प्यारे बच्चों? ये होगा इसका जवाब, पेरेंट्स करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने यंग वंस को, यानी पेरेंट्स गिव करेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन ट्रांसमिशन एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स आर कम्बाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फिर ये जो क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं, जो जीन्स इसमें आते हैं, इधर से भी अगर 23 आए तो इधर से भी 23 आएंगे, यही फैक्टर होता है जो बता रहा हूँ। तो ये 23 और 23 आपस में मिलेंगे, और इनके मिलने को फ्यूजन को भी बोला था मैंने, लफ्ज़ फ्यूजन बोला था, तो इनके मिलने को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और फिर बनता जाए गॉट। सो द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर ही होती हैं जीन्स, तो इन जीन्स का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और यही होती हैं इनहेरिटेबल ट्रेट्स जो जीन से ट्रांसफर होती हैं अगली औलाद में। हाउ डू द इनहेरिटेबल ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेबल ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर पैराग्राफ लिख देते हैं तो इस सवाल का बड़ा जेंगो आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को दो दफ़ा देखिए, ताकि आपको वो कहानी क्लियर हो जो मैंने इसमें बताई है। बिकॉज अगर वो कहानी क्लियर नहीं होती तो ये चैप्टर है इनहेरिटेंस, ये क्लियर नहीं होगा प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस से अमूमन 4 सवाल दिए जाते हैं, और एक सवाल ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.